गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। आपने पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी सुना होगा है, एंड बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस कि आपके माइंड में पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तो चल रही होगी, आपके माइंड में और भी यूनिवर्सिटी चल रही होगी जो NMC के रूल्स को फॉलो कर रही हो। तो आपके माइंड में कोई भी यूनिवर्सिटी चल रही हो तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1916 एंड पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इट इज़ अ वन ऑफ द लेंडिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड लोकेटेड इन द पॉम सिटी। द डिस्टेंस बिटवीन मॉस्को टू पॉम 1500 किलोमीटर्स। अगर मैं बात करूं तो ये आपकी मॉस्को से ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है। अगर आप चाहो तो 1500 किलोमीटर, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मॉस्को से यूनिवर्सिटी जाने में, तो आप इस यूनिवर्सिटी को ईज़ली सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर मैं यहाँ पे कंट्री रैंकिंग की बात करती हूँ तो कंट्री रैंकिंग इसकी 271 है, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात करती हूँ तो 7451 है। तो देखो, यूनिवर्सिटी में किसी भी टाइप का आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छा मिलेगा, किसी भी टाइप की आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू विथ कंप्लीटेड डिटेल्स पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल की फैसिलिटी एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड फूड। हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी इंक्वायरी रहती होगी। अगर आप रशिया को चूज़ करते हो तो आपके माइंड में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी चलती है, बट आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको जो भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है कि मैं हम इस यूनिवर्सिटी में करवाते हैं, तो आप उस यूनिवर्सिटी के लिए डाइवर्ट हो जाते हो। लेकिन नहीं, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो मैं सबसे पहले हर वीडियो में आपको हर यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल क्लियर करती हूँ, तो आप हर यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ का जो आपका कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 6 ईयर का होता है। मेनली जो 18 नवंबर 2021 के पहले आपकी जो कोर्स ड्यूरेशन थी वो 5.8 ईयर्स थी, लेकिन अब जो है वो 6 ईयर हो चुकी है। तो आपकी जो कोर्स ड्यूरेशन है रशिया की वो 6 ईयर रहेगी, जिसमें आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो है इसमें आपका 70% थ्योरी पार्ट्स और 30% आपका क्लिनिकल रोटेशन होगा। बट अगर मैं यहाँ पे लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर में यहाँ पे आपका 70% क्लिनिकल रोटेशन होगा और 30% आपकी थ्योरी पार्ट्स होती है। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है किसी भी टाइप का, और यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। कि आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि हाँ हमें लैंग्वेज को लेकर, लेकिन वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी, तो यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया, आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं तो आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कीजिए। तो अगर मैं बात करूँ तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया 17 ईयर्स आपका होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया, आपका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% होना चाहिए। एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया, आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। जब भी आप MBBS इन रशिया को चूज़ कर रहे हो तो मोस्टली आप इस पॉइंट को मिस मत करना, क्योंकि देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी MBBS इन रशिया को चूज़ कर रहे हो तो आप हमेशा नीट क्वालिफाइड करके जाओ, ताकि जब आप इंडिया में आओ तो आपकी डिग्री वैलिड हो। कि मोस्टली बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंक्वायरी होती है कि मैम हम बिना नीट क्वालिफाइड
MBBS इन रशिया किसी भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप बिना नीट क्वालिफाइड जाओ। जब भी आप MBBS इन रशिया लाइक कजाकिस्तान या किर्गिस्तान कहीं पे भी लेते हो तो आप हमेशा नीट क्वालिफाइड करके जाओ। मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड रिव्यू। सेकेंड रिव्यू बाइलिंगुअल। अगर मैं बाइलिंगुअल की बात करती हूँ तो फॉर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पे आपके बुक्स, आपके लेक्चर्स, आपके एग्जाम्स ये सारे इंग्लिश में होंगे। लाइक आपको यहाँ पे लोकल लोगों से बात करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि वहाँ पे क्या होता है कि जब आप क्लिनिकल रोटेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो भी स्टूडेंट्स लाइक स्टूडेंट्स होते हैं या फिर उनको मान लो कि वहाँ पे आपके डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं तो उनको लाइक आपको बात करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे ये मैटर होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में आपके MBBS के साथ साथ आप अपनी लैंग्वेज की भी कोर्स कर सकते हैं जो 6 मंथ की होती है, तो वो आप करके वहाँ पे लोकल लोगों से बात कर सकते हैं। तो किसी भी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप लोकल लोगों से बात करेंगे, जब क्लिनिकल रोटेशन के लिए जाएंगे तो यू नो कि आपको वहाँ पे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड रिव्यू। थर्ड रिव्यू यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी MCI अप्रूव, WHO लिस्टेड और ECFMG सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी होगी। इससे ये प्रूफ होता है कि आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो, तभी आपको फिर यूनिवर्सिटी से लाइसेंस मिलेगी। तो लाइक देखो, आपको अगर इंडिया आना है तो ऑब्वियसली आप जब भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो तो ये मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू। फोर्थ रिव्यू फी स्ट्रक्चर। देखो, अगर मैं यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो मोस्टली हर यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको लाइक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर और भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। तो उनमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं लाइक उनकी मतलब होती है कि नहीं मुझे आप फी स्ट्रक्चर बताओ मैम। तो देखो, अगर मैं पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ तो इस यूनिवर्सिटी का फुल पैकेज MBBS की जो फ़ी होगी वो 29 लाख फुल पैकेज होगी। लाइक देखो, हर साल यूनिवर्सिटी की फ़ी इंक्रीज़ होती है। इस बार जो है आपकी 2023 की वो 29 लाख है। जैसे आप सेमी पैकेज में देना चाहेंगे तो 14,50,000 के अप्रॉक्स पे करना होगा, और अदरवाइज़ अगर आप ईयरली जाएंगे तो देखो ईयरली वाइज में यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होता है। ईयरली वाइज में आप यहाँ पे 4,81,000 इंडियन पे करेंगे। तो इंडियन में आपको मैं बता रही हूँ लाइक इसको आपको रूबल में पे करनी है, तो रूबल में आप कन्वर्ट करेंगे तो 5,868 के अप्रॉक्स आपको पे करना होगा डॉलर। जैसे देखो, हर यूनिवर्सिटी रशिया की डॉलर नहीं लेती है, हर यूनिवर्सिटी रशिया की रूबल नहीं लेती है। यहाँ पे होता यह है कि कुछ यूनिवर्सिटी रूबल लेती है, कुछ यूनिवर्सिटी डॉलर लेती है। तो लाइक आपको पॉम में पे करना है तो डॉलर ही पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डॉलर में मिल जाती है ईयरली वाइज। यहाँ पे ईयरली वाइज में आपकी क्या क्या चीज़ें होंगी लाइक ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस। तो अगर मैं ये टोटल मिलाऊँ यहाँ पे तो ट्यूशन फ़ी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका $5,500 आपको पे करना है, जिसे अभी आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन में तो इंडियन में 4,51,000 के अप्रॉक्स आएगा। अगर मैं हॉस्टल फ़ी की यहाँ पे बात करूँ तो हॉस्टल फ़ी $184, जिसे अभी आप कन्वर्ट करेंगे तो 15,000 आएगा। और अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूँ तो मेडिकल इंश्योरेंस भी आपका 184 है, जिसे कन्वर्ट करेंगे तो 15,000 के अप्रॉक्स इंडियन आएगा। तो देखो, अगर हम टोटल मिलाते हैं तो यहाँ पे 4,81,000 आपका आ जाता है ईयरली। तो ईयरली वाइज यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है सेमी पैकेज या फिर पैकेज। आपको जैसे भी जाना है आप वैसे जा सकते हैं। यू नो कि यहाँ पे आपको वहाँ पे किसी भी टाइप का लाइक हॉस्टल को लेकर या फिर मेस को लेकर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फिफ्थ रिव्यू। फिफ्थ रिव्यू हॉस्टल की फैसिलिटी। अगर मैं हॉस्टल की फैसिलिटी की बात करती हूँ तो यहाँ पे हॉस्टल आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लाइक हॉस्टल में आपके कुछ पिक्चर्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। हॉस्टल में लाइक आपको गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल्स अवेलेबल है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल्स अवेलेबल है। तो फैसिलिटी आपको सारी मिल जाती है एंड आप कुछ पिक्चर्स वगैरह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके कैमरा वगैरह लगे होते हैं, वॉचमैन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं एंड आपकी एक टाइमिंग होती है कि आप इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक बाहर रह सकते हैं।
तो किसी भी टाइप का आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड हॉस्टल के साथ अटैच आपको किचन्स वगैरह भी मिल जाती है, तो किचन्स वगैरह अवेलेबल है जहाँ पे आप कुकिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फैसिलिटी भी है अच्छी फॉर्म में। तो लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट रिव्यू। नेक्स्ट रिव्यू है हमारा इंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर हम इंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो लाइक यहाँ पे आपकी फॉर्मेलिटी के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है और वो आपको देनी होती है। वो फॉर्मेलिटी के लिए दे सकते हैं आप, लाइक कोविड से पहले जो थी वो आपकी रशिया जाकर ही एग्ज़ाम होती थी, बट अब क्या है कि कोविड की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, तो लाइक 2 साल से आपकी जो है एग्ज़ाम वो ऑनलाइन ही हो रही है। तो ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना होता है यहाँ पे और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट रिव्यू, फूड। अगर मैं फूड की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका इंडियन फूड अवेलेबल है। यहाँ पे आपके इंडियन फूड के साथ साथ आपको यहाँ पे मेस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप मेस का ऑप्शन लेना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको मेस का ऑप्शन लेना है या नहीं लेना है। अगर आप मेस का ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे 8,000 पड़ेगा लाइक अ मंथली, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको मेस लेना है तो इंडियन फूड अवेलेबल होगा, जैसे चपाती, राइस, चावल, दाल, यू नो मोस्टली जो आप इंडिया में खा रहे हो वही अवेलेबल होती है। और अगर खुद से कुकिंग करेंगे तो आपकी थोड़ी कम पड़ेगी लाइक 4,000 के अप्रॉक्स मंथली, तो थोड़ा कम पड़ेगा। जैसे चाहते हैं आप वैसे कर सकते हैं, फैसिलिटी सारी अवेलेबल है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हैं, पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लाइक आपको इतने इन्फॉर्मेशन्स मैंने बताए हैं, इसमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है। थैंक यू सो मच।